नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जनरल अवेयरनेस का टॉपिक लेकर के आए हैं। और ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक कहाँ से लिया गया है, आज दिन में सुबह 20 क्वेश्चंस का एक ऑनलाइन टेस्ट रखा गया था और उन्हीं का सॉल्यूशन जो है दोस्तों इस वीडियो में है। 20 क्वेश्चन पेपर में थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जब मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा तो ये अबाउट 60 से 70 तक क्वेश्चंस होंगे दोस्तों इसके अंदर, मिनिमम उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों। एक एक डिस्क्रिप्शन में आपको 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, द टर्म ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों? ब्लू का मतलब क्या होता है दोस्तों? आज ब्लू है पानी पानी, ये गाना है ना दोस्तों, शायद हनी सिंह का गाना है। तो ब्लू का मतलब यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? सी से रिलेटेड है। रिवॉल्यूशन की जब बात आ रही है तो थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा ये आप इसको, कि ये सी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन जो दोस्तों किससे रिलेटेड है? एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर से रिलेटेड। अब एक्वा कल्चर का मतलब क्या हुआ? एक्वा का मतलब पानी, कल्चर का मतलब दोस्तों जीव जंतुओं को उसके अंदर ज़्यादा बढ़ाना, कि कल्चर मीन्स उनके प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाना। तो एक्वा कल्चर के अंदर बेसिकली किस किस चीज़ को, मेनली पानी के अंदर हम क्या चीज़ें दोस्तों किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? एक तो मेनली फिश का दोस्तों, और दूसरे क्या हो सकते हैं दोस्तों, अलग से दूसरे जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये तो बात आ गई दोस्तों एक्वा कल्चर की, ब्लू रिवॉल्यूशन की। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो द टर्म ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक्वा कल्चर का आपने मीनिंग समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। रिवॉल्यूशन की बात आई है तो कोई ना कोई इस रिवॉल्यूशन के लिए, इस क्रांति के लिए जिम्मेदार रहा होगा, किसी ने तो लॉन्च किया होगा दोस्तों इसको, जिससे हम इसका फादर ऑफ दिस ब्लू रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? एक तो नाम आता है दोस्तों हीरा लाल चौधरी का, हीरा लाल चौधरी, और स्पेलिंग के साथ मत जाइएगा क्योंकि स्पेलिंग यही लिखी हुई है। दूसरे हैं दोस्तों इनके साथ में डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये दोस्तों संयुक्त रूप से ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर हैं, इसके जनक हैं। ये ब्लू रिवॉल्यूशन कब आया दोस्तों? ड्यूरिंग 7th 5-year plan, ड्यूरिंग 7th 5-year plan। 5-year प्लान क्या है दोस्तों? आजकल जब से नई सरकार आई है 2014 के बाद में 5-year plan को अबोलिश कर दिया गया, इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। पहले हर 5 साल के प्लान बनते थे कि इन 5 सालों के अंदर क्या क्या किया जाएगा। 7th 5-year plan कब से कब इफेक्ट में था? 1985 से लेकर के 1990 तक ये इफेक्ट में था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय में एक एजेंसी भी बना दी दोस्तों, और उसका नाम दिया FFDA। समझ सकते हैं दोस्तों, एफ का मतलब है फिश, एफ का मतलब यहाँ पर फार्मर्स, डी का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, और ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एजेंसी। तो इतनी चीज़ें आपको ब्लू रिवॉल्यूशन से थोड़ी सी के रिलेटेड आपको दोस्तों पता होनी चाहिए कि ब्लू रिवॉल्यूशन क्या चीज़ है। इस ये डायरेक्टली फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। द स्टानले वाटर रिजर्वोयर फॉर्म्ड बाय द मेट्टू डैम, फॉर्म्ड बाय द मेट्टू डैम ऑन द, दोस्तों स्टानले वाटर रिजर्वोयर जो कि किस पर बना हुआ है? मेट्रू डैम पर बना हुआ है। दोस्तों इन्हें एक दूसरे के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हमेशा रिजर्वोयर है दोस्तों किसी डैम पर बना होता है, और स्टानले वाटर रिजर्वोयर जो है दोस्तों मेट्रू डैम पर बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए
पहले इसको समझ लीजिए, मेटूर डैम दोस्तों कहाँ पर है? मेटूर डैम जो दोस्तों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है मेटूर डैम, और स्टानले वाटर रिजर्वायर इसी मेटूर डैम पर बना हुआ है। इसको स्टानले वाटर रिजर्वायर इंग्लिश नेम लगता है दोस्तों, इसका मतलब किसी न किसी के नाम पर इसको रखा हुआ है, इसका नाम किसी के नाम पर रखा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर रखा हुआ है, इंग्लिश नाम लग रहा है दोस्तों। ये लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रेडरिक स्टानले ब्रिटिश पर्सन का नाम है, इसका मतलब ब्रिटिश टाइम में ही बना था ये 1934 में। फ्रेडरिक स्टानले जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल उस समय के, और उनके नाम पर ये इस डैम का नाम, इस रिजर्वायर का नाम रखा हुआ है जो मेटू डैम पर बना हुआ है दोस्तों 1934 में। अब सबसे मेन बात आती है, डैम हमेशा दोस्तों उसका सोर्स ऑफ वाटर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसका सोर्स ऑफ वाटर कोई ना कोई नदी होती है, रिवर होती है। तो मेटूर डैम का सोर्स ऑफ वाटर जो है दोस्तों वो क्या है, या किस नदी पर यह बना हुआ है दोस्तों? इसका सोर्स ऑफ वाटर है दोस्तों कावेरी नदी और कावेरी रिवर, और ये ब्रिटिश जो है इसको क्या बोलते थे दोस्तों, कावेरी रिवर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कीजिए दोस्तों। भाखड़ा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, भाखड़ा डैम किस पे बना हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पर भाखड़ा डैम जो है वो सतलज रिवर पर बना हुआ है। सतलज रिवर पर कहाँ पर दोस्तों? नदी होती है दोस्तों, बहुत लेंथ में होती हैं, तो कहाँ पर है दोस्तों? बिलासपुर में। कहाँ पर दोस्तों? बिलासपुर। और बिलासपुर में कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका कोई रिजर्वोयर बनाता है क्या? यस, ये बनाता है दोस्तों गोविंद सागर या गोविंद सागर, जो भी नाम है दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, गोविंद सागर रिजर्वोयर ये बनाता है दोस्तों। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वोयर है दोस्तों, ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वोयर, ठीक है, गोविंद सागर रिजर्वोयर जो भाखड़ा डैम पर है, सतलज रिवर पर बना हुआ है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वोयर है। तो अब दिमाग में आनी चाहिए फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट कौन है। फर्स्ट लार्जेस्ट डैम जो है दोस्तों वो क्या है? इंदिरा सागर। और सेकंड लार्जेस्ट है दोस्तों वो क्या है? नागार्जुन सागर। इनके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लें क्या, कि इंदिरा सागर डैम क्या है और नागार्जुन सागर डैम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, पता होना चाहिए। इंदिरा सागर देखिए नाम से समझ लीजिए दोस्तों, ये हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, उस समय उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी दोस्तों, ठीक है। किस पर बना हुआ है इंदिरा सागर डैम? ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ। कहाँ पर दोस्तों? एमपी में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। और उस नगर का नाम भी दोस्तों नर्मदा नगर ही है, क्लियर है दोस्तों। तो इंदिरा सागर डैम जो है इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। नर्मदा रिवर पर कहाँ पर दोस्तों? खांडवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में दोस्तों, नर्मदा नगर में। पहली चीज नर्मदा रिवर का दिमाग में रखना दोस्तों, इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर नदी के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब जो सेकंड लार्जेस्ट डैम है इंडिया का वो कौन है, कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम। ये कहाँ, किसके ऊपर, कौन सी नदी पर दोस्तों? ये कृष्णा पर है, कृष्णा रिवर पर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, कृष्णा रिवर। कहाँ पर दोस्तों? नागार्जुन सागर जगह का नाम है दोस्तों। कहाँ पर है ये? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट का सब लोगों ने नाम सुना होगा। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आज की डेट में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया दोस्तों कौन? तेलंगाना। तो दोस्तों दोनों में पसरा हुआ है ये, ठीक है। तेलंगाना में कहाँ पर दोस्तों? नालगोंडा।
दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और धीरे धीरे आप अपने आप को डेवलप कर लोगे इस कदर कि नहीं हमें जीके पढ़ना और जीके में 20 में से मैक्सिमम मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 162 आउट ऑफ 200 इन DSSB जो मार्क्स लेकर के आता है उसके भी 7-8 से ज़्यादा नंबर नहीं आते, समझ लीजिए। इसने पार पा लिया DSSB ने में जीके में और मीन्स फर्स्ट पेपर के 100 क्वेश्चंस में, क्योंकि नर्सिंग तो दोस्तों सबके लिए लगभग कॉमन ही आती है, 60 नंबर कोई भी ले आता है वहाँ पर ठीक ठाक जो रेस में दौड़ रहा होता है, बिना रेस में दौड़ने वालों की बात नहीं कर रहा मैं। तो जीके जो है जनरल अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है मेरिट डिसाइडिंग। क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों वापस हम। भाखड़ा डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलुज रिवर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, इसके बारे में है, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं अगेन आप इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इंडिया इज हैविंग कॉमन बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, इंडिया की कॉमन बॉर्डर कौन कौन से नेशंस के साथ में लगती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो कौन कौन से कंट्रीज के साथ में लगती है, अच्छे से याद करना है दोस्तों। और कैसे याद करना है, इसे याद करने के लिए एक आपको अच्छा सा निमोनिक बता देता हूं दोस्तों मैं आपको कि इंडिया की इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किस किस किन किन कंट्रीज के साथ में लगती है। बचपन में MBA किया, मैं और किया मैंने हटा दिए दोस्तों, बचपन में MBA किया ऐसे याद रखना, मैं और किया का कोई मतलब नहीं है। और बै का मतलब दोस्तों बांग्लादेश, चै का मतलब चाइना, पै का मतलब पाकिस्तान, ने का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, बर्मा जिसको बोलते हैं दोस्तों, पहले बर्मा बोला जाता था। बी का मतलब क्या है दोस्तों, अपना बेचारा भूटान। और ए का मतलब अफगानिस्तान। आप याद करेंगे दोस्तों, इसमें एक और चीज याद कर लेना, ये लेंथ ऑफ बॉर्डर के क्रम के अंदर ही है, लेकिन किस क्रम में वो दोस्तों, असेंडिंग या डिसेंडिंग, कम होते हुए क्रम में। बांग्लादेश के साथ में हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर किलोमीटर्स में देखा जाए सबसे ज्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम लगती है दोस्तों केवल 106 किलोमीटर। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर वो 4096 किलोमीटर लगती है, और अफगानिस्तान के साथ में केवल 106 किलोमीटर। ये ऐसे कम होते हुए क्रम में दोस्तों, जैसे चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर लग जाती है, पाकिस्तान के साथ में दोस्तों 3323 किलोमीटर लग जाती है, नेपाल के साथ में दोस्तों 1751 किलोमीटर लगती है। ये आपको नहीं दिमाग में रखना है, अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए, SSC CGL के लिए या UPSC के लिए अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ दोस्तों। म्यांमार के साथ में भी अच्छी खासी दोस्तों 1643 किलोमीटर लगती है दोस्तों, भूटान के साथ में दोस्तों केवल 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। क्वेश्चन पे आइए दोस्तों अब कि इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ में लगती है। अफगानिस्तान के साथ लगती है, अब पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ में नहीं लगती। ऑप्शन गलत हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के साथ में नहीं लगती दोस्तों। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, एक आधा नाम रह गया है, कोई बात नहीं है, ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखना दोस्तों आज के बाद में हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को याद रखने के लिए बचपन में MBA किया, तो बचपन और MBA ही इफेक्टिव है, मैं और किया जो है इसके अंदर साइलेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन राइस इज बायोफोर्टिफाइड टू एड्रेस। दोस्तों सबसे पहले देखें कि ये गोल्डन राइस किस चीज का नाम है। गोल्डन राइस दोस्तों एक
बायो फोर्टिफाइड क्रॉप का नाम है दोस्तों। जिंदगी में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। COVID-19 ने देखो ज़िंदगी थाम रखी है ना, तो दोस्तों कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से स्टडीज़ कीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गोल्डन राइस क्या चीज़ है? एक बायोफोर्टिफाइड क्रॉप है। अब आप बोलोगे सर ये बायोफोर्टिफिकेशन किस बला का नाम है? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी क्रॉप ग्रेन के अंदर जीनेटिक मॉडिफिकेशन करने को ही हम क्या बोल देते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और ये बायोफोर्टिफिकेशन जीनेटिक मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं दोस्तों? उसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और गोल्डन राइस का बायोफोर्टिफिकेशन क्यों किया जाता है? जिससे गोल्डन राइस बनता है दोस्तों, उसमें प्रोविटामिन ए बढ़ाने के लिए। प्रोविटामिन ए दोस्तों बीटा कैरोटीन को बोलते हैं। प्रोविटामिन ए दोस्तों किसके लिए दोस्तों? ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए, ठीक ना। बच्चों के अंदर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, मीन्स जिसकी कमी से बच्चों में ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो प्रोविटामिन ए बीटा कैरोटीन को अक्यूमुलेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम राइस का बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं और उसको बोलते हैं गोल्डन राइस। तो आंसर क्या हो गया? विटामिन ए की डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए गोल्डन राइस को बायोफोर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन विच वॉज बिल्ट अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों इस मेक इन इंडिया का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेके आई, गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आइए और हमारे इंडिया में बनाइए। मीन्स फॉरेन कंपनीज को बोला गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, FDI को बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों। और इसके तहत एप्पल को बोला गया कि आप आईफोन यहीं पर बनाइए, अपने प्रोडक्ट्स यहीं पर बनाइए। MI को बोला अपनी यहीं पर बनाइए। टेस्ला को बोला अपनी कारें यहीं पर बनाइए आप। तो इससे हुआ क्या दोस्तों? रोजगार के अवसर ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पहली हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको दोस्तों हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। कहाँ दोस्तों पहली कौन सी है दोस्तों? न्यू दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द। दोस्तों ये यूनियन का मतलब क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये हमारा भारत गणतंत्र है दोस्तों। तो इस यूनियन का मतलब क्या है? कौन कौन होता है जी दोस्तों इस यूनियन के अंदर? प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। जिसको भी जल्दबाजी है वो अपने अपने हिसाब से पढ़ें दोस्तों, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर डेटा सबके साथ पास में खूब है। और मैं अब जो पढ़ाई करा रहा हूँ दोस्तों, स्टूडेंट्स के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से करा रहा हूँ। तो मेरी सभी लोगों को सलाह भी है कि आप आराम से पढ़ाई कीजिए, सक्सेस अपने आप से मिलेगी। एक वाइस प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, इसके बाद में मिनिस्टर्स की पूरी काउंसिल है। और इस मिनिस्टर की जो मिनिस्टर्स काउंसिल है दोस्तों, और इस मिनिस्टर काउंसिल का हेड जो है वो कौन है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अब ये सारे मिलकर के क्या बना दी दोस्तों? ये यूनियन है जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या है? एक तरीके की यूनियन है। और इसकी एक्चुअल में रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, उनके पास में है दोस्तों इसकी एक्चुअल में पावर। लेकिन दूसरी तरीके से समझिएगा आप इस चीज़ को ना, कि इन्हें ये किसके सलाह पर काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी की सलाह पर काम करते हैं दोस्तों। तो दूसरी एक और चीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है इसका, किसका? इस यूनियन का। और यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा इन मिनिस्टर्स का, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट दोस्तों प्रेसिडेंट करते हैं।
और इन मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, किसकी सलाह से? पीएम की सलाह से करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो गया, प्रेसिडेंट, असली पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा एस्ट्रोसेट है, एस्ट्रोसेट ये इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसको हम एक तरीके से स्पेस टेलीस्कोप बोल सकते हैं, स्पेस टेलीस्कोप। किसने लॉन्च किया दोस्तों? इसरो ने लॉन्च किया। इसरो का नाम आपको समझ में आना चाहिए, क्या है दोस्तों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब कब लॉन्च हुई है दोस्तों ये? 2015 में, कब? 28 सितंबर को, ठीक है। किस पर लॉन्च किया गया दोस्तों? PSLV XL पर लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा में। नेक्स्ट इज बॉम्बे हाई, जिसे आजकल हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं, इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड, इट इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन। दोस्तों यहीं पर समझ जाइए, बॉम्बे हाई का मतलब कहां पर होगा दोस्तों? मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में। पहले मुंबई को किसके नाम से जानते थे दोस्तों? बॉम्बे के नाम से ही जानते थे, लेटर ऑन इसका नाम मुंबई कर दिया, तो बॉम्बे हाई का नाम भी बदल करके मुंबई हाई रख दिया गया। एक तो ये चीज़, ये ऑफशोर ऑयल फील्ड है दोस्तों इंडिया का, तो ये कहाँ पर है? ऑब्वियस ही बात है मुंबई में ही होगा ना। कहाँ पर होगा? मुंबई में होगा। और मुंबई दोस्तों, मुंबई से सटा हुआ समंदर कौन सा है दोस्तों? ओशन कौन सा है दोस्तों? सी कौन सा है? अरेबियन सी। मुंबई से जो सटता है दोस्तों वो अरेबियन सी है, ये चीज़ आपको एक तो दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या दिमाग में रखनी है आपको, कि कब डिस्कवर हुआ दोस्तों ये बॉम्बे हाई? 1974 में। प्रोडक्शन कब शुरू हुआ? 1976 में। कौन ऑपरेट कर रहा है दोस्तों इस बॉम्बे हाई को? ONGC। ONGC का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है ONGC, ये इसको ऑपरेट कर रही है। क्लियर है दोस्तों? तो बॉम्बे हाई कहाँ पर है दोस्तों? अरेबियन सी के अंदर है। मुंबई में तो है नहीं ना, एक्चुअल में जमीन पर तो हो नहीं सकता, सी के अंदर है, तो सी के अंदर दोस्तों कहाँ? अरेबियन सी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट शेयर बाउंड्री बिटवीन ओमान, ओमान के साथ में कौन कौन से कंट्रीज की बाउंड्री लगती है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए ओमान के साथ में तीन कंट्रीज की बाउंड्री लगती है दोस्तों। एक है उनमें से सऊदी अरेबिया, दूसरा कौन है दोस्तों? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और तीसरा है दोस्तों यमन। तो यहाँ पर यमन की लगती है, सऊदी अरेबिया की लगती है, UAE की लगती है, ईरान की नहीं लगती। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका? ईरान, इसकी नहीं लगती दोस्तों। अल नीनो इज ए क्लाइमेट साइकिल इन द, दोस्तों आपने दो नाम सुने होंगे, अल नीनो और ला नीनो, अल नीनो और ला नीनो। तो अल नीनो और ला नीनो दोस्तों क्या हैं? क्लाइमेट साइकिल्स हैं, क्लाइमेट साइकिल। दो चार चीजें दिमाग में रखनी है दोस्तों, इतनी अच्छी जीके मेरी भी नहीं है, आपको बस गाइड कर रहा हूं, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों इन चीजों को। तो दोस्तों अल नीनो और ला नीनो दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? क्लाइमेट साइकिल है। कहां पर दोस्तों? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो पैसिफिक ओशन में दोनों के दोनों क्लाइमेट साइकिल हैं। अब दोनों का नाम दिमाग में रखना दोस्तों, अल नीनो का मतलब क्या है और ला नीनो का मतलब क्या है दोस्तों? अल नीनो का मतलब क्या है? ये एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर है, और ला नीनो का मतलब एबनॉर्मली लो टेम्परेचर है, इतना दिमाग में रख लीजिएगा। और ये वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं, ये दो जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये जो साइकिल है क्लाइमेट साइकिल है, ये वर्ल्ड वाइड, पैसिफिक ओशन में है लेकिन वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर को अफेक्ट कर सकते हैं। आई होप
क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन। द कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इज प्रोजेक्ट इन द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन इज द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बिटवीन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड। ये कलादन प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट क्या है दोस्तों? इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? कलादन रोड प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कलादन रोड प्रोजेक्ट ये क्या चीज है दोस्तों? ये हमारे ईस्टर्न सीपोर्ट को, ईस्टर्न का मतलब ईस्ट में, और ईस्ट में सीपोर्ट क्या इसका है दोस्तों? कोलकाता का। कोलकाता सीपोर्ट को किसके साथ में जोड़ता है दोस्तों? म्यांमार के साथ में जोड़ता है। अब म्यांमार का सीपोर्ट कौन सा दोस्तों? नाम क्या है दोस्तों सीपोर्ट का? कोलकाता सीपोर्ट हो गया ये तो, एक तो इंडियन सीपोर्ट कोलकाता, ईस्टर्न इंडियन सीपोर्ट कोलकाता। म्यांमार के सीपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों? सिटवे या सिटवी, नहीं पता दोस्तों मेरे को भी क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका। सिटवी सीपोर्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों, सिटवे सीपोर्ट। ये दोनों के बीच में ये कनेक्शन है कौन? कलादान रोड प्रोजेक्ट, पहली चीज। अब इस यहाँ पर यह भी दिमाग में रख, सितवे क्या है दोस्तों? ऑब्वियसली बात है किसी जगह का नाम है। ये म्यांमार का एक स्टेट है दोस्तों, और क्या नाम है दोस्तों उसका? राखीने, राखीने, राखीन स्टेट है दोस्तों, उसकी कैपिटल है ये। इसकी क्या है दोस्तों? ये कैपिटल है। तो कलादन रोड प्रोजेक्ट जो है वो कोलकाता और म्यांमार के बीच में नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया या ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और म्यांमार सितवे सीपोर्ट दोनों के बीच में कनेक्शन है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी काजीरंगा। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी काजीरंगा के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों? यहाँ पर पहला ऑप्शन है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं बता दूँ पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ब्रह्मपुत्रा के ब्रह्मपुत्रा के बैंक पर है, ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर है दोस्तों, पहली चीज। तो ब्रह्मपुत्रा के कहाँ पर? ब्रह्मपुत्रा के उसकी भी लेंथ बहुत है दोस्तों। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ? असम के अंदर, असम में। असम में भी कहाँ? मरीगांव, मोरीगांव। क्लियर है दोस्तों, मोरीगांव असम में पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ब्रह्मपुत्र के बैंक पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये वेटलैंड हैबिटेट है किसके लिए? इंडियन राइनोसिरोस के लिए। इंडियन राइनोसिरोस के लिए वेटलैंड हैबिटेट है, और इसी को मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों और भी पढ़ लीजिए, बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी ब्रह्मपुत्रा के बैंक पर ही है, लेकिन जगह अलग हो जाती है। ये तो था दोस्तों मोरीगांव में कौन पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर हो गई दोस्तों? सोनितपुर। सोनितपुर कहाँ? आसाम के अंदर ही, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये बंगाल फ्लोरिकन के लिए आइडियल हैबिटेट है। एक गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई दोस्तों, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी आसाम के अंदर है, लेकिन कहाँ पर? कर्बी अंगलोंग, कर्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। एक और है दोस्तों यहाँ पर ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी किसके है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा के किनारे पर ये, ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे पर ये। कहाँ पर? सोनितपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉर्मुज स्ट्रेट कनेक्ट्स। अब ये हॉर्मुज स्ट्रेट क्या चीज है? इसको स्ट्रेट ऑफ ओर्मुज भी बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ ओर्मुज भी बोलते हैं। ये एक तरीके का वाटर चैनल है दोस्तों, वाटर चैनल या वाटर का लिंक है दोस्तों। किस किस के बीच में? एक साइड में दोस्तों पर्सियन सी, और दूसरी साइड, और दूसरा किसके बीच में है? एक साइड में पर्सियन सी और दूसरी साइड में गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। इनके बीच में दोस्तों ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो वाटर चैनल है। हॉर्मुज स्ट्रेट दोस्तों याद रखिएगा आप, पर्सियन गल्फ
ऑफ द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप गिवन बिलो इज नॉट ए रबी क्रॉप। दोस्तों हम पढ़ते हैं दो तरीके की क्रॉप्स हम पढ़ते हैं, अगर आप समझते हो तो इन चीज़ों को आप क्या सभी लोग समझते हैं। एक होती है दोस्तों रबी क्रॉप, एक होती है दोस्तों खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप या रबी हार्वेस्ट ये दोस्तों विंटर्स में उगाई जाने वाली हैं, तो ऑटम समर्स की बोल करके ऑटम की क्रॉप्स हैं वो क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं। एक तो ये चीज ठीक है, इन्हें विंटर्स में उगाएंगे तो स्प्रिंग के समय में दोस्तों काट लेंगे, इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। रबी जो वर्ड है और खरीफ जो वर्ड है दोस्तों दोनों के दोनों अरेबिक वर्ड्स हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। तो इनको सर्दियों का मतलब नवंबर से लेकर के नवंबर में उगाई जाती है, तो अप्रैल मई के अंदर क्या कर लेते हैं, इनकी कटौती कर ली जाती है, ठीक है। अब आपको कॉमन रबी क्रॉप्स का आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में क्या उगाया जाता है। दोस्तों गेहूँ सर्दियों के अंदर उगाते हैं हम, जो सर्दियों के अंदर उगाते हैं दोस्तों हम चना, हम जो ब्लैक ग्राम होता है चना जो है दोस्तों हम सर्दियों के अंदर उगाते हैं, ब्लैक ग्राम तो इसको नहीं, चना जो है दोस्तों हम इसको गर्मियों के अंदर, ओट्स जो हैं इंडिया में तो कमी होता है शायद, मस्टर्ड सरसों जो है दोस्तों हम सर्दियों के अंदर उगाते हैं, तो ये सारी की सारी जो क्या हैं रबी क्रॉप्स हैं। खरीफ की क्रॉप्स क्या हैं दोस्तों, इन्हें मानसून की क्रॉप्स भी बोलते हैं दोस्तों, मानसून, मानसून टर्म भी दोस्तों अरेबिक वर्ड है, ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं, जून में उगाई जाती है नवंबर के करीब कटौती कर लेते हैं। खरीफ का मतलब ही दोस्तों ऑटम होता है, खरीफ का मतलब ही, इसमें क्या दोस्तों ज्वार बाजरा ये हम उगाते हैं दोस्तों, मक्का भी ये इसी की है दोस्तों, मक्का और इसके अलावा अरहर मूंग उगाते हैं दोस्तों, ग्रीन ग्राम जिसको हम बोलते हैं ग्रीन ग्राम, तो ये सारी की सारी खरीफ की क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, लेकिन मिलेट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नोटिफाइड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इनमें से किसको इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल नोटिफाई किया गया है, किसको नोटिफाई किया गया दोस्तों, रिवर डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है, नोटिफाई किया है, किसने किया है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ने, कब किया 2010 में, 18 मई 2010 में रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल नोटिफाई कर रखा है इंडिया का, पहली चीज दोस्तों। कहां पर है दोस्तों, ये गंगा के वो पानी के अंदर होती है दोस्तों, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी बोलते हैं इसके लिए हम इसको। अब एक बहुत अच्छी चीज आप सुनिएगा कि इस रिवर डॉल्फिन को कहा जाता है कि ये गंगा के पानी की प्योरिटी को बताती है, ठीक है ना, को रिप्रेजेंट करती है, प्योरिटी ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, अगर ये जिंदा है इसका मतलब पानी प्योर है, क्यों, क्योंकि ये प्योर एंड फ्रेश वाटर के अंदर ही सरवाइव कर सकती हैं, अदरवाइज खत्म हो जाती हैं। अगर ये है इसका मतलब गंगा हेल्दी है, गंगा का पानी जो है वो हेल्दी है दोस्तों। इसको लोकली क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सुसु फिश भी बोलते हैं दोस्तों, सुसु फिश, और ये सुसु फिश वही है जो अभी आप सोच रहे हैं। सुसु का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब ब्रीथ कर रही होती है तो नाक से अपनी नॉइस करती हैं, तो ये नॉइस करती हैं सॉरी, और ये इंडिया के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसलिए इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया नोटिफाई किया, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, कब, 18 मई 2010 को, ये गंगा के पानी की प्योरिटी को बताती है, फ्रेशनेस को बताती है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई, दोस्तों ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हम हाइग्रोमीटर से, हमेशा दिमाग में रखना, ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में बताई जाती है, लेकिन साथ में आरएच भी लिखा होता है, इसका मतलब है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस का नाम है, हाइग्रोमीटर जैसे थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं दोस्तों। एक नाम आता है पाइन कोन्स का, पाइन कोन्स, पाइन कोन्स जो हैं लो ह्यूमिडिटी पे,
लो ह्यूमिडिटी पे पाइन कॉन्स के जो पाइन कॉन जो है वो ओपन हो जाता है ताकि अपने स्पोर्स को बाहर रिलीज कर सके। अपने स्पोर्स को रिलीज करने के लिए पाइन कॉन्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो दोस्तों पाइन के जो कॉन्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, इसका मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो लो है, ठीक है, वो नेचुरल हाइग्रोमीटर हो गया एक तरीके से। यहाँ पर एक नाम और है दोस्तों, एनीमोमीटर आपने दोस्तों देखा होगा छतों के ऊपर एक चार इस शेप में, यहाँ पर एक कप्स लगे होते हैं और ये इस तरीके से घूमता रहता है। और ये किसके लिए होता है एक्चुअली, एक तो विंड की स्पीड के लिए और दूसरा विंड के प्रेशर को बताता है, इसी को बोलते हैं हम एनीमोमीटर। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों हाइग्रोमीटर। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट दोस्तों 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, सबसे पहला हाई कोर्ट इंडिया का कौन सा है दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है सबसे पहला सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो इसका मतलब सबसे फ्रेश यानी सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है, देखना पड़ेगा। आई थिंक शायद 2014 में बना हुआ है सबसे नया हाई कोर्ट जो है वो 25th हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। क्लियर। व्हाट इज ओईसीडी स्टैंड्स फॉर, विच इज एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये ओईसीडी का मतलब क्या है, ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ओईसीडी का मतलब क्या है दोस्तों, तो ओ का मतलब तो आप समझ जाइए दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ई का मतलब भी समझ जाइए दोस्तों इकोनॉमिक है, सी का मतलब कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन है दोस्तों, दिस इज सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन, ये है दोस्तों कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है। और कितने कंट्रीज के बीच में दोस्तों, ये 37 कंट्रीज के बीच में है। 1961 में बनाया गया दोस्तों इसको, किसके लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक ट्रेड के लिए। इसका हेड क्वार्टर भी होगा कहीं ना कहीं जी पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, रिवाइज करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जनरल अवेयरनेस में अपना इंटरेस्ट जनरेट कीजिए ताकि आप ऑटोमेटिकली चीज़ें जहाँ पर भी देखें दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं, आपका जनरल अवेयरनेस में इंटरेस्ट डेवलप होगा। एक एक दो दो चीज़ें सीखेंगे तो फिर आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट ये होगा कि मुझे नई चीज़ें सीखनी है दोस्तों। जिसने जनरल अवेयरनेस की केवल 2 से 3 महीने प्रिपरेशन कर ली दोस्तों, वो हमेशा लाइफ टाइम सीखते चला जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।